वाराणसी में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर स्नान किया। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। गोरखपुर में आज से खिचड़ी मेले की शुरुआत। सुबह 4 बजे सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी, जिसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के गेट खोले। आज बीएसपी प्रमुख मायावती का जन्मदिन और इस मौके पर मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही मायावती द्वारा लिखी ब्लू बुक भाग 18 का विमोचन भी किया जाएगा। आपदा प्रबंधन की टीम का जोशीमठ दौरा। आज इस दौरे पर आपदा अपर सचिव, जियोलॉजिस्ट और केंद्रीय अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। इटावा के नौरंगाबाद में पूर्व सभासद के घर पर दबंगों ने किया पथराव। हमले में पूर्व सभासद और उसके बेटे घायल। घर की महिलाओं ने हमले का वीडियो बनाकर किया वायरल। मुरादाबाद के मझोला इलाके में पति पत्नी की संदिग्ध मौत। पति की बॉडी घर के पंखे पर लटकी हुई मिली, जबकि पत्नी का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। बांदा में चलती कार के ऊपर बैठकर युवकों के हुंगम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें युवक रील बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। रुड़की के कृष्णा नगर में देर शाम हाई वोल्टेज आने से अचानक धमाका हुआ, जिसमें दर्जनों से अधिक घर हाई वोल्टेज की चपेट में आ गए। आसपास लोग दहशत में। बाराबंकी में लाइसेंस रिन्यूअल करने के नाम पर फर्जी रिपोर्ट लगाने की घूस की बातचीत करने वाले फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई के आदेश हैं। जिलाधिकारी ने वीडियो का संज्ञान लिया, आरोपी फूड इंस्पेक्टर हटाया गया। फिरोजाबाद में शराब के नशे में एक रिटायर्ड फौजी ने अपने एक युवक को घर बुलाकर गोली मार दी। फायरिंग में युवक बाल बाल बच गया। पुलिस रिटायर्ड फौजी की तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ में एक शख्स ने गोमती पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति के आवास पर काम करता था। बुलंदशहर में फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर पर सीबीआई की रेड। 2 घंटे से ज्यादा तक चली छापेमारी। सीबीआई के 7 से 8 अधिकारी मौजूद रहे। नरोरा ऑटोमिक पावर प्लांट में हैं बड़े ठेकेदार। नरोरा थाना क्षेत्र के कॉलोनी गेट का मामला। उन्नाव में गल्ला व्यापारी से 70,000 की लूट। नशे में धुत दबंगों ने गल्ला व्यापारी से मारपीट कर छीने 70,000 रुपए। बांगरमो कोतवाली का मामला। पथराव और बमबाजी मामले में कानपुर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। आगरा पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी अभियुक्त ने महिला से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल किया था। अभियुक्त के खिलाफ कागारोल कमिश्नरेट में दर्ज था मुकदमा। मिल्कीपुर गांव में ट्रिपल मर्डर केस में वाराणसी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। बताया कि अवैध संबंधों की वजह से दामाद ने ही पत्नी समेत 3 की हत्या की। गाजियाबाद में गिरफ्तारी के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में मऊ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर जादू टोना कर डर दिखाकर बलात्कार का आरोप है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में। ओरिया में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पुलिया से टकरा गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। राहगीरों की मदद से अस्पताल में करवाया गया। फतेहपुर में 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत। चालक परिचालक समेत 3 लोग हादसे में घायल। जिला अस्पताल में भर्ती। प्रयागराज से कानपुर जा रही थी। पार्क में अश्लील प्रैंक बनाकर वायरल करने वाले युवक को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही ऐसे युवकों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 10 दिन के बाद भी बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे जेल से बाहर नहीं आ सकी। अभी तक जमानत के लिए दाखिल किए गए दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। फतेहपुर में धर्मांतरण के कथित मामले में आरोपों के घेरे में आए प्रयागराज की शुआर्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। दोनों अधिकारियों का नाम सामने आने के बाद मचा हड़कंप। कानून व्यवस्था के मद्देनजर जालौन के कई इलाकों से पुलिस ने पैदल मार्च किया। एसपी इराज राजा के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ शहर के प्रमुख चौराहों से पैदल मार्च निकाला गया। प्रतापगढ़ के बडनपुर पैतृक गांव पहुंचा बीएसएफ के शहीद शिव बहादुर का शव। राजकीय सम्मान के साथ गांव में किया गया अंतिम संस्कार। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।